कि मंच पर आपको कुछ गिने चुने ही कलाकार आपको नजर आते हैं, तो जो हमारा जो सेकंड लाइन के हमारे जो कलाकार हैं या जो साधना कर रहे हैं युवा कलाकार हैं, हमारे किशोर कलाकार हैं जिनको मंच चाहिए, उनके लिए बहुत कम मंच है। अब तो कई संस्थाएं इस कार्य को कर रही हैं, लेकिन ये मिला बहुत पहले हमने, और दूसरी तरफ हमने ये कोशिश की कि हम देश के मूर्धन्य विद्वानों को यहाँ बुला करके अपने युवाओं को सुनवाएं, जिससे वो एक संदेश लेकर के जाएं कि हमें इस मंजिल पर हम। और इस क्रम में संगीत गोष्ठी, विचार गोष्ठी, संगोष्ठी, लेक्चर डेमोन्स्ट्रेशन, सेमिनार और बहुत सारी एक्टिविटीज आज निरंतर होती हैं, कॉम्पिटिशन वगैरह भी करते रहे। तो ये बड़े सौभाग्य की बात है कि इस संस्था की अध्यक्ष आदरणीय बहन कुसुम मेहंदी यहाँ हैं, इनके सबके प्रयासों से ही ये कार्यक्रम शुरू हो रहा है। मैं चाहूँगा एक बार बहन जी के लिए हम सबको याद होगा। मौसम 1949 में हो चुकी थी, लेकिन विधिवत रूप से इसका जो रजिस्ट्रेशन हुआ 1950 में, और ये इसकी स्थापना मूर्धन्य साहित्यकार आचार्य बांका कार्यकर जी ने, उसमें आचार्य काका साहब तो थे ही, उनके साथ में बहुत सारे हमारे जो उस पुराने वक्त जो मैं कहूँगा कि हमारे जो नेता क्या जो हमारे समाज से भी ज्यादा शब्द अच्छा उचित है, क्योंकि नेता सेवा ही दृष्टि कहीं दूसरी जगह जाती है, सही रूप में समाज से भी थे इस संस्था को स्थापित करने में उनका बहुत बड़ा। काका साहब ने एक अपना ध्येय रखा जो आज तक कायम है कि असरकारी धन ज्यादा असरकारी, जिन संस्थाओं को सरकारी धन मिलता है वहाँ धन का दुरुपयोग बेईमानी इधर से उधर को, लेकिन ये संस्था आज भी आप जैसे दानियों के सहयोग से निर्माण कर रही है, और इस संस्था की बहुत सारी गतिविधियाँ हैं। आपको जब यहाँ एक दो बार आएंगे आपको पता लगा, कई गौशालाएँ हैं जिसमें सैकड़ों गायें यहाँ, यहाँ चरखा केंद्र है, नाट्य केंद्र है, अनेकों विधाएं यहाँ, कंप्यूटर क्लासेस हैं, बहुत सारी विधाएं यहाँ पूरी हुई हैं, और जो बहुत ही संगीत कक्षाएं गरीब बच्चों के, वो भी विशेष रूप से गरीब बच्चों के लिए। मैंने भी यहाँ बड़े लंबे समय तक लगभग 10 वर्ष मैंने भी यहाँ सिखाया है, और उस वक्त जितने बच्चे यहाँ सीखते थे वो सभी आज अच्छे अच्छे स्कूलों में टीचर्स हैं, और बहुत अच्छे और बहुत सारे बच्चे अर्जन बच्चे बहुत सारे बच्चे हमारे यहाँ स्टेट हो चुके। ये यहाँ का उद्देश्य समाज उत्थान का है, और उसी समाज उत्थान के लिए संगीत के माध्यम से समाज उत्थान का उद्देश्य हम लेकर पीछे। बातें तो बहुत सारी हैं, लेकिन चूंकि आजकल नवरात्रि है तो मैं माँ भगवती की वंदना करते हुए जय 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 महिषासुर मर्दिनी सिंह वाहिनी असुर नाशिनी कष्ट हरत दुख हरत जगत कल्याण कर माता और
क्योंकि हम ब्रजवासी हैं और ब्रज की बेली हमारी आधारा में। और मैं तो ये कहूंगा कि हाँ, क्योंकि बेली का तात्पर्य शक्ति से है, तो जिसने भगवान कृष्ण को अपनी उंगलियों पर नचाया उससे बड़ा और उम्र की कौन हो सकता है। वही आदि शक्ति दुर्गा स्वरूप की राधा जी उनके लिए मेरा ये कहना चंद है, वृत रवि नहीं। ये छंद मेरा देखिए 12 से शुरू होगा और 1 पर के बाद राधा जी 12 गण हैं। हाँ, 12 रुद्र और 11 गणेश नाम, रुद्र के 12 द्वादश ज्योतिर्लिंग, 12 रुद्र और 11 गणेश नाम, 10 दिक्पाल 9 निधि कर रहा है, अष्ट कमल दल सप्त ऋषि भरत ध्यान, 6 ऋतुओं में पंचांग को मान, 4 वेद 3 लोग काल सरस गुण, पाप और पुण्य दो रहत साथ साथ हैं, ऐसी प्रसभाम सुधा एक ही दिन पूरी पूरी कहत प्रजवल मान। राधा रानी के चरणों में नमन करते हुए आज के हमारे मौके पर थी परम सम्मानीय डॉक्टर जी के चल सकी, आदरणीय बड़े भाई साहब श्री मती सिंह बघेल साहब, आदरणीय सी ए ध्रुव अग्रवाल जी, श्री संजय भारद्वाज जी संगीत नाटक अकेडमी के कार्यकारी अधिकारी, जब यहाँ चल इधर बापू को इधर चल
कि शब्दों का स्वरों का चयन अपने लायक करते हैं। जाने ज्ञान सुर समाज ये लोग कलाकारों की संघर्ष गाथा है। इसमें आप ब्रज का भी पुट पाएंगे और भोजपुरी अवधि का भी पुट पाएंगे और बुंदेलखंड का भी पाएंगे, जिसमें कलाकारों का संघर्ष किस तरह से चला है। कोविड के टाइम में कलाकार किस तरह से अपनी कला को अपने सीने से लगा करके रखा रहा और पहले से भी कलाकारों की जो दशा रही है उसका भी आपको वर्णन मिलेगा। और इसमें कलाकार जो लोग कलाकार हैं उनकी भी क्या गाथा रही है, क्या उनकी वेदना रही है, वो उसको उकेरा गया है अलग अलग उच्छ्वास से। जो मैं संक्षिप्त में ये कहूँगा कि जो अच्छा बन पड़ा वो आपका है और जो कहीं गलती हुई है वो मेरा स्वयं का है। अग्रवाल जी से समर्पण को स्वीकार करें, नाना साहब स्वीकार करें, सभी विद्वत्कर स्वीकार करें और मैं बहुत बहुत आभारी हूँ आदरणीय परम सत्य वर्मा जी का कि इन्होंने मुझे मौका दिया। वाकई ऐसे मौके बहुत कम मिलते और ये माँ शक्ति का समय चल रहा है, शारदीय नवरात्र चल रहा है जिसमें इस सुर समाज का सुर, क्योंकि असुर और सुर का एक संघर्ष है, तो सुर जहाँ है वहाँ अपने आप देवी का अवतरण है और जहाँ असुर है वहाँ देवी स्वयं ही उसका संहार कर देगी। मेरे लिए सौभाग्य की बात है परम सुखदेव वर्मा जी ने और इस नवोदित कलाकार समित ने हमें मौका दिया, ऐसा किंचन को मौका दिया कि मेरी पुस्तक यहाँ आप सबको समर्पित हो सकी और मैं इस योग्य बन सका कि आपको ये अपना लेखन समर्पित कर पाता। आप पढ़ेंगे और हमें कुछ भेजेंगे तो दोबारा इसमें जब ये पुनः प्रकाशित होगी तो उसमें विचार जाएंगे। मुझे बहुत अच्छा लगेगा क्योंकि अगर क्रिटिसिज्म नहीं मिलता है, समालोचना नहीं मिलती है तो लेख की श्रम बेकार होता है, उसमें हमें बल मिलेगा। और विशेषकर जो कलाकार वर्ग है वो जरूर लिखे क्योंकि कोविड के टाइम का जो गैप है, सोशल साइको गैप जो हुआ है, मनो सामाजिक जो गैप हुआ है, अंतराल हुआ है, उसको अब भरना है। नवोदित कलाकार इसको ध्यान रखें कि जो नई पीढ़ी आपके पास आ रही है वो आप उसे इस तरह के अपनी कला को प्रचारित करें ताकि वो आपकी तरफ आकर्षित हो, आपकी कला की तरफ आकर्षित हो और इन कलाओं को प्रदर्शित कर रहे हैं उनको आगे बढ़ाए। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत आभार आदरणीय डॉक्टर वीरेंद्र चंदोदी जी और आपको बहुत बहुत बधाई क्योंकि पहली पुस्तक मेरे पास है आपकी जिसका आपने बहुत मेहनत की ये इसको भी मुझे सौभाग्य प्राप्त होगा। आपने गर्व न करते हुए मैं दूसरी प्रस्तुति के लिए डॉक्टर सुनील गोस्वामी जी को यहाँ आमंत्रित करता हूँ। डॉक्टर सुनील गोस्वामी जी
Oh.